आज है हमारे पास 2023 मॉडल महिंद्रा बुलेरो पिकअप 1.3 गाड़ियाँ हैं। बड़ी शानदार दोनों गाड़ियाँ हैं। दोनों ही गाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आज जो हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं, दोनों की दोनों गाड़ियाँ 1.3 हैं। एक एसी वाली है और एक नॉन एसी वाली है। दोनों ही गाड़ियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं बुलेरो पिकअप 1.3 एसी वाली कूल ड्राइव ये गाड़ी है। 2023 मॉडल ये गाड़ी है। इस गाड़ी की 10 से 11 किस्तें इस गाड़ी की जा चुकी हैं। इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का परफॉर्मेंस है। माइलेज की बात करें तो 13 से 13.5 तक का माइलेज निकालती है। और वो वाली गाड़ी भी हमारी 1.3 है, वो नॉन एसी वाली गाड़ी है। बड़ी ही शानदार वो भी गाड़ी है। 2023 मॉडल गाड़ी ये भी है हमारी। दोनों ही गाड़ियाँ 2023 मॉडल हैं। दोनों ही महिंद्रा की बुलेरो पिकअप 1.3 हैं और काफ़ी ज़बरदस्त दोनों गाड़ियों का परफॉर्मेंस है। माइलेज की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ सेम माइलेज निकालती हैं। हमारी ये वाली गाड़ी 14.3 का माइलेज निकालती है और वो वाली गाड़ी हमारी एसी वाली गाड़ी 13.3 का निकालती है। नॉन एसी ये 14.3 का निकालती है। बुलेरो पिकअप ऐप भी पावर स्टीयरिंग में दोनों की दोनों गाड़ियाँ हैं। दोनों ही गजब की गाड़ियाँ हैं। इस गाड़ी का हमारी एक्सीडेंट हो गया था तो ये पूरी की पूरी गाड़ी हमने अभी फ़िलहाल में बनाई है। और दूसरी वाली वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं इस गाड़ी का कैसा एक्सीडेंट हुआ था और क्या क्या इस गाड़ी के अंदर काम हुआ है। पूरी ही गाड़ी ये बनी है। पूरी ही गाड़ी पर ओरिजिनल पेंट लगा है, डायमंड वाइट जो ओरिजिनल गाड़ी का पेंट आता है। गाड़ी की आरसी ले जाकर गाड़ी का पेंट लाकर गाड़ी पर लगवाया है। पूरी गाड़ी ओरिजिनल बनी है हमारी। एक साइड को पलट गई थी। पलटने के बाद काफ़ी इस गाड़ी के अंदर डैमेज हुआ है। फ्रंट बम्पर डला है, फ्रंट फेसिया, सामने की जाली और एक हेडलाइट भी इसकी डली है। और भी इसमें काफ़ी सामान डला है, जैसे कि सामने का शीशा भी इसका डला है। आपको दिख ही रहा होगा सामने वाले शीशे पर कोई भी फास्ट टैग वगैरह नहीं लगा हुआ है। पूरे का पूरा नया शीशा है। पूरी गाड़ी पे ओरिजिनल पेंट लगाया। गाड़ी में जो काम हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी साफ़ सुथरा काम हुआ है। इसके अंदर भी डैमेज हुआ था, गाड़ी के अंदर भी डैमेज हुआ था। इसका जो डैशबोर्ड था वो भी मुड़ गया था और डैशबोर्ड भी हमने फ़िलहाल तो वही रिपेयर करके लगा दिया है। काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है, काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी लग रही है। एक बार मैं आपको खोल कर ये गाड़ी अंदर से दिखा देता हूँ। इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको ये गाड़ी दिखाते हैं अंदर से। 1.3 गाड़ियाँ हैं। आपको अगर लेनी है तो आप 1.3 ले सकते हैं ऊंची कमानियों में। और एसी वाली गाड़ी मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए। नॉन एसी वाली गाड़ी में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। देख सकते हैं इसमें जो काम हुआ है काफ़ी अच्छा, काफ़ी साफ़ सुथरा काम हुआ है। पूरी ये जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ भी सब पेंट हुई हैं। पूरे का पूरा केबिन पेंट हुआ है। कहीं कहीं कमियाँ हैं कह सकते हैं आप, लेकिन जो काम है काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा किया है। देख सकते हैं आप पूरी गाड़ी के। इसके खर्चे की बात करूं मैं, इसमें पेंट लगने में कितना खर्चा आया, तो इसमें बॉडी पर भी लगवाया है और चेचिस पर भी हमने पेंट लगवाया है और पूरे के पूरे केबिन पर पेंट लगवाया है। बॉडी में अंदर से भी पेंट लगवाया 8000 रुपये में मात्र। इसकी वाली सामने वाली खिड़की कंडक्टर साइड को पलटी थी ये गाड़ी, तो इसकी सामने वाली जो खिड़की आप देख सकते हैं, ये वाली खिड़की सामने वाली डैमेज हो गई थी। देख सकते हैं गत्ता वत्ता वगैरह भी इसका फट गया था। ये खिड़की पूरी की पूरी डैमेज हो गई थी, मुड़ गई थी। और जो है इसका डेंट वेंट इसको ही रिपेयर कर दिया गया, इसमें डेंट पेंट का काम हुआ है। पूरी खिड़की अब ठीक हो गई है, पहले की तरह जेन्युइन हो गई है। पूरी गाड़ी हमारी अब देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है। इस गाड़ी में जो हमारा पूरा का पूरा खर्चा आया है इस गाड़ी में को बनाने में, इसमें हमारा 65000 रुपये का खर्चा आया है। इसके अंदर 65000 रुपये में हमारा फ्रंट बम्पर डला है, कंप्लीट बम्पर फ्रंट 5000 रुपये का पड़ा है हमको। और जो फ्रंट फेसिया है इसकी, सामने की तरफ जो इसकी फेसिया होती है जिसमें हेडलाइट फिट होती हैं, वो भी 8000 रुपये की पड़ी है। और जो इसकी हेडलाइट है वो 4500 रुपये की पड़ी है। पावर स्टीयरिंग के पंप की पुली मुड़ गई थी, वो भी डलवाया 8000 रुपये का। देख सकते हैं गाड़ी हमारी सब तरफ से आप देख सकते हैं काफ़ी, इसमें जो रस्टिंग थी पहले से काफ़ी रस्टिंग हो रही थी, काफ़ी बुरी लग रही थी गाड़ी देखने में। देख सकते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से हमारी गाड़ी पहले थी। देख सकते हैं आप इसमें जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के टाइम पर देख सकते हैं एक्सीडेंट का इसका ये लुक है, इसका ये हाल हो गया था एक्सीडेंट में। अब बनने के बाद हमारी गाड़ी काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी बढ़िया हो गई है। इस गाड़ी के अंदर आपको 7-15 के टायर मिलते हैं। काफ़ी अच्छी अब गाड़ी का लुक है, काफ़ी बढ़िया अब गाड़ी है। देख सकते हैं नीचे से इसमें चेचिस पर भी थोड़ा हमने कलर लगवा दिया, 2K का ब्लैक कलर लगवाया इसमें अच्छा वाला, जो कि पपड़ी बनकर नहीं छूटेगा। गर्म होने के बाद लोकल पेंट छूट जाता है, तो आपको अगर चेचिस पर कलर लगवाना है तो 2K का ब्लैक कलर लगवाएं, क्योंकि 2K का ब्लैक कलर जो है पपड़ी बनकर छूटता नहीं है, अच्छा होता है, उसकी पकड़ अच्छी होती है। बाकी मारने वाले के ऊपर है, कलर लगाने वाले के ऊपर है कैसा वो मिस्त्री है। मिस्त्री खुद चाहे तो अच्छे से अच्छा पेंट लगा सकता है। देख सकते हैं गाड़ी हमारी पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। इसका जो एक्सीडेंट का लुक था आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसका एक्सीडेंट हुआ था, इतना काफ़ी इसमें डैमेज हुआ था। बनने के बाद हमारी गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से है। इसमें खर्चे की हम बात करें तो पूरी गाड़ी में 65000 रुपये का खर्चा आया। इसकी जो फ्रंट
फ्रंट वाली फेसिया है जिसमें हेडलाइट फिट होती है वो 8000 रुपये की है, और जो इसकी फ्रंट ग्रिल है, इसकी जो प्लास्टिक वाली फ्रंट ग्रिल लग रही है देख सकते हैं आप, ये 2200 रुपये की है। इसका जो बम्पर है कंप्लीट वो हमको 5000 रुपये का पड़ा है कंप्लीट बम्पर, और इसकी जो राइट साइड की हेडलाइट है वो 4600 रुपये की इसकी राइट साइड की हेडलाइट पड़ी है। नीचे की तरफ जो है गाड़ी घुसने की वजह से, पलटने की वजह से नीचे पेड़ वेड़ की कोई जड़ लग गई होगी, तो हमारी पावर स्टीयरिंग की जो पुली है वो मुड़ गई थी, वो 8000 रुपये की पुली आई है। 65000 का टोटल इस गाड़ी के अंदर खर्च आ चुका है अब तक।